तो बात कर रहे हैं हम फ्लैश फील्ड, हम किस पे बात कर रहे हैं, फ्लैश फील्ड। अब जैसे मान देख लीजिए हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें जो नाम है वो किसी में तीन नाम है, किसी में दो नाम। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हो या फिर लेफ्ट राइट का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उससे बेटर है फ्लैश थीम। आपको क्या करना है कि पहले वाला जो रहा है उसमें हमने यहाँ पे जैसे पूजा था, हमने पूजा लिख के एंटर प्रेस कर दिया और फिर पूजा को हमने सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करके फिर पूजा को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, चलो ये आपको फिल दिख रहा होगा इसमें हम देंगे फ्लैश फिल, क्या देंगे, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। आ गया सबका इकट्ठा निकल गया, नीचे जितना भी होगा सबका इकट्ठा निकल जाए, ठीक है। फिर लास्ट नेम, तो यहां पे मैं दिया सिंह, ठीक है, एंटर प्रेस किया, हम इसको हम वापस जाएंगे करेंगे फ्लैश फिल, तो सिंगल अलग होगा। मतलब जो आप यहाँ टाइप करोगे ना, तो यहाँ मैच करके देख लेगा कि ये जो टाइप कर रहे हो कौन सा पोजीशन लगता है, उसी हिसाब से वो नीचे का अलग कर देगा, और पोजीशन वो लास्ट से भी देखता है, फर्स्ट से नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में यहां मेरे पास है मंथ, क्या है, मंथ नहीं, मंथ नहीं, एक सेकंड से। अब मुझे इसमें से मंथ अलग करना है, हालांकि मंथ अलग करने के बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन आप सीधे से यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया, मैंने किया टाइप ओसीटी OCT अक्टूबर, फिर हम कर देंगे फ्लैश फिल, क्या कर देंगे, फ्लैश फिल। उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स है, 4 डिजिट के नंबर्स है, अब मुझे जो है इसमें से 4 डिजिट आगे से अलग करना है, तो 12 डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, इसको यहां पे हम देंगे फ्लैश। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 4 डिजिट का नहीं हुआ, आप कहीं हमारे 7 डिजिट है, अब मैं यहाँ पे 12 डाल दिया, तो क्या लग रहा है, 41 अलग करना चाहिए ना, चलिए ठीक है। अच्छा फर्स्ट 2 डिजिट को अलग हो कर देगा ये। लेकिन अगर यही चीज मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 14 डालता हूँ, 14, और फिर करता हूँ स्लैश को, ठीक है, तो पोजीशन से अलग करता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत किस में होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए 2 3, ठीक है ना, 2 3 डाला, अब स्लैश फिल करता हूँ यहाँ पे, नहीं लिया ना सर, क्योंकि 2 3 जो है वो आपका पांचवा और छठा करेक्टर है, चौथा चौथा पांचवा पांचवा, अब इसमें चौथा पांचवा है ही नहीं, तो नहीं दे। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास प्रॉब्लम हुआ तो दिक्कत होगा।
थोड़ा मतलब नंबर सही नहीं हुआ। अब इसी तरह से डेसिमल से हमारे पास अब मुझे डेसिमल प्लेसेस अलग करना है तो जीरो यहां तक 0.36 करूंगा और इस पे करूंगा फ्लैश। समझ गया सर? तो मैंने इसके चार एग्जांपल दिए हैं, आप लोग 10 एग्जांपल बना के मुझे भेजिए फ्लैश। ठीक है आज सर इतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बाकी लोग भी नहीं आया, तो कल से कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। ठीक है सर।